चलते जम्मू के मंत्री सुखदेव साय रायपुर से पंडित जवाहरलाल नेहरू सभागार पहुंचे, जहां संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल हो रहे। संविधान को और देश व प्रदेश के भविष्य को और मजबूत करेगी। मुझे विश्वास है कि संविधान का अमृत महोत्सव हमारे संकल्पों को और मजबूत करने का ये काम करेगा। साथियों, संविधान बनाने के चुनौतीपूर्ण कार्य में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महान योगदान है, और उन्होंने कहा था कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ही शब्द हैं कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि शासक वर्ग की नीयत साफ नहीं है तो संविधान घटिया बन जाएगा। संविधान की सफलता इसे लागू करने वाले के चरित्र पर निर्भर है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। मुझे आज खुशी है जब मैं युवाओं के बीच में आज यहाँ आया हूँ, जब हम देखते हैं कि अभी 2014 से पहले हमारे युवा जो पढ़ते भी थे, पढ़ने के बावजूद भी भाइयों उसको किसी के दर के ऊपर शीश नवाने के लिए जाना पड़ता था, उसे नौकरी नहीं मिलती थी और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। परंतु आज अगर आप लोग देखेंगे पिछले 10 वर्षों के अंदर, आज किसी युवा साथी को किसी के दर पर जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पवित्र संविधान की ये एक वो मूल भावना है। भाइयों, हमने इस बात को भी समझना होगा कि ये देश किस दिशा से आगे बढ़ रहा है, किस दिशा से आगे चल रहा है। अभी इस बात के बारे में भी चर्चा हुई है, ये आदरणीय हमारे कश्मीरी लाल जी ने उस शब्द का उपयोग किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों ने इस देश में संविधान के खतरे की बात करी। अरे वो जब स्वयं वो खतरा होते हैं संविधान के ऊपर, फिर उसको दूसरा खतरा दिखाई देता है। मुझे खुशी है क्योंकि मुझे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ 2019 से लेकर के 2024 तक उनके साथ रह करके काम करने का मुझे अवसर मिला है। ये ऐसा भारत माँ का लाल है जिसने पिछले 10 वर्षों में इस भारत को इस पवित्र संविधान के अनुरूप चलाने का प्रण लिया है, और इससे बाहर वो नहीं चलते हैं, इस संविधान के अनुरूप चलते हैं। इसकी भावना को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि 7.5 दशकों के समय में हमारे संविधान ने हमारे लोकतंत्र का मार्गदर्शन किया है, उसे सही रास्ते पर चलाया है। जिस तरह से माता पिता अपने बच्चों का जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही दिशा निर्देश माता पिता बच्चों को देते हैं, उसी तरह से हमारा संविधान भी देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रकाश सम का काम कर रहा है। मुझे खुशी है कि महात्मा गांधी जी कहते थे कि हमारे अधिकार हमारे वे कर्तव्य हैं जिन्हें हम सच्ची ईमानदारी और समर्पण के साथ पूरा करते हैं। आज संविधान के अमृत महोत्सव में गांधी जी का यह मंत्र देश के लिए एक संकल्प बन रहा है। यहाँ बैठा हर सम्मानित नागरिक इस बात का साक्षी है कि हमारा संविधान समय की कसौटी पर खरा उतर रहा है। ऐसा कोई विषय नहीं जिसकी व्याख्या हमारे संविधान में ना हो, जिस पर दिशा निर्देश हमारे संविधान में न हो। संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने संविधान की इस ताकत को समझते हुए उन्होंने कहा था, मानव द्वारा खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।